बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं मौजूद नहीं, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन डी। विटामिन डी का काम यह है कि ये बोन्स को जितनी कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए उतनी बोन्स तक पहुंचाता है। रेगुलेट्स लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन द ब्लड। विटामिन डी का ये काम है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का एक खास लेवल बरकरार रखता है, उससे नीचे नहीं जाने देता। अब ब्लड में वो कैल्शियम और फास्फोरस कहां से आता है? बाय अब्सॉर्बिंग दीज मिनरल्स फ्रॉम इंटेस्टिन। इंटेस्टिन जो खुराक की नाली है वहां से अब्सॉर्ब हो जाती है कैल्शियम और फास्फोरस, और कहां आ जाती है? ब्लड के अंदर आ जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस इंटेस्टाइन में से अब्सॉर्ब होती है और वो ब्लड में आ जाती है, और ब्लड से ये मिलती है बोन्स को जहां इसकी जरूरत होती है। ये है जी विटामिन डी का फंक्शन। कैल्शियम और फास्फोरस की मिकदार को ब्लड में सही लेवल तक रखना ताकि हड्डियों को वो कैल्शियम और फास्फोरस मिल सके जो उन्हें जरूरत है। देखिए फंक्शन, रेगुलेट्स लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन ब्लड by absorbing these minerals from intestine, so it makes bones strong. Vitamin D जो है इसका एक ही काम है कि ये हड्डियों को कैल्शियम और फास्फोरस उस मिकदार में मुहैया करे जितनी उनको जरूरत है। अब देखते हैं इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहां से हमें विटामिन डी मिलेगा। फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर एंड डायरेक्टली ऑब्जर्व फ्रॉम सनलाइट। विटामिन डी एक वाहिद इनग्रेडियंट है फूड का जो जानवर भी डायरेक्टली जो है वो सूरज की रोशनी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये थे जी इसके सोर्सेज के बॉडी को कहां कहां से विटामिन डी मिलेगा। अब इसकी डेफिशिएंसी, क्योंकि इसका काम यह है कि ये हड्डियों को मजबूत करता है तो इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं। देखिए बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ऑस्टियोमिलेजिया। ऑस्टियोमिलेजिया होती है ओल्ड एज में, बहुत सारे लोग जो है वो मुड़े हुए नजर आते हैं जब बड़े हो जाते हैं, सही सीधे खड़े नहीं हो सकते। वो क्यों होते हैं? क्योंकि बॉडी के अंदर हड्डियों के अंदर फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाती है और इस बीमारी को ऑस्टियोमिलेजिया कहते हैं। दैट इज द सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में हड्डियों का कमजोर हो जाना ऑस्टियोमिलेजिया कहलाएगा। रिकी डिजीज होती है छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों की हड्डियां जो है कमजोर जब हों तो उसको कहेंगे रिकी डिजीज, और वहां भी जब हड्डियों पर प्रेशर पड़ता है तो वो मुड़ जाती हैं, डी शेप हो जाती हैं। अब और इसमें क्या होगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का जो है वो रिस्क बढ़ जाता है जब ऐसा बच्चा गिरेगा या ऐसा बूढ़ा आदमी गिरेगा जहां कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे फ्रैक्चर्स भी ज्यादा आएंगे। तो ये थी डेफिशिएंसी से होने वाले नुकसान। आज हमने स्टडी किया विटामिन डी, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपके कॉमेंट्स का इंतजार।